आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया मजेदार स्निफ बाइट लीक चैलेंज, जिसमें होगा क्या, हमारे सामने ये तीन बॉल रखे हुए हैं और एक छोटा सा बॉल और रखा हुआ है जिसमें रखी है हमारी चिट्स, जैसे इसमें लिखा है बाइट। तो गाइज हमें ये चिट चूज करनी है और जिसके पास बाइट आएगा, जिसके पास लिक करने के लिए आएगा, जिसके पास स्निफ करने के लिए आएगा, वो उसको करना होगा। गाइज यहाँ पे एक बॉल और रखा हुआ है जिसमें दो चिट्स ब्लैंक है और एक चिट्स पे वन लिखा हुआ है। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि वन का मतलब क्या है। पहले हमें इसमें से चिट चूज करना है। हम तीनों के पास चिट्स आएंगे, उन चिट्स में दो चिट्स होंगी ब्लैंक और एक चिट पे लिखा होगा वन। तो गाइज जिसके पास वो वन लिखे हुए चिट आएगी उसके पास चांस होगा ये बॉल को चूज करने का, अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी, कि वो कौन सा बॉल किसको देना चाहता है। ओके प्राची, हमें ये चैलेंज तो समझ आ गया। बेसिकली हमें क्या करना है, पहले इसमें से चिट उठानी है, जिसके पास जो आएगा वो आएगा, फिर उसके बाद हमें सेकंड चिट उठानी है एंड जिसके पास वन आएगा वो इनमें से एक बॉल चूज कर सकता है, प्लस बाकी दो के लिए भी कर सकता है, लेकिन जिसके पास ब्लैंक आएगा वो सिर्फ बैठ के देख सकता है। तो गाइस देरी किस बात की, हम जल्दी से अपना इंटरेस्टिंग से चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हम अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, बट लेकिन हमें नहीं पता कि इन बॉल्स के अंदर क्या है। तो गाइस हम जल्दी से चिट्स को शफल कर लेते हैं। तो गाइज मेरे पास आया है बाइट एंड गाइज मेरे पास आया है लिक एंड मेरे पास आया है स्निफ। गाइज मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना, मुझे सिर्फ सूंघने के लिए मिलेगा, मतलब जले पे नमक छिड़कना वो वाला काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो देखना मुंह तक आएगा, बस मुंह में ही नहीं जाएगा, सिर्फ लिक करना है। अभी मेन ट्विस्ट तो गाइज यहाँ पे ये है कि वन किस पे आता है और कौन किसको क्या देता है। तो गाइज जल्दी से हम इन चिट्स को भी शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि वन किसके पास आएगा। तो गाइज वन आया है मेरे पास, तो अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सी प्लेट लेनी है और इन दोनों को कौन सी प्लेट देनी है। भगवान बचा लेना। कोई बात नहीं, मेरे पास उसने पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दोगी सूंघ लूंगी। इनको शफल करूँ या जो मेरे सामने है मैं वही ले लूँ? चलो शफल कर लेते हैं। ओके मेरी प्लेट जाती है साक्षी के पास। ओके और साक्षी की प्लेट जाती है पूजा के पास एंड पूजा की प्लेट आती है मेरे पास। ओके तो गाइज हम देख लेते हैं कि हमारे बॉक्स में क्या क्या आया। तो 3, 2, 1, go! यार मेरे पास यहाँ पे रसगुल्ला आया है, मुझे सिर्फ इसे सूंघना है, मतलब कोई सेंस है, मतलब पता है यहाँ पे जितने भी है ना, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स, हमारे ये लोग, आप लोगों को भी सबको पता मुझे मीठा कितना ज्यादा पसंद है और ये मेरे नाक से सिर्फ ऐसे आके निकल जाएगा, मतलब मेरे मुंह में नहीं आएगा। गाइस मेरे तो मजे हैं, मेरे पास आए हैं गोलगप्पे जो कि मुझे खाने हैं, ना मुझे सूंघने हैं ना मुझे उनको, मुझे तो खाने हैं। और गाइस मेरे पास आए यहाँ पे सोया सॉस। अब मैं इसे लिक कैसे करूँ, मतलब स्निफ ही आ जाता कम से कम, मैं सूंघे से हटा तो देती, यहाँ मुझे लिक करना है, मैं लिक कैसे करूंगी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे स्निफ कर लेती हूँ। खा लूँ क्या? तुम अपने रसगुल्ले को तब तक सूंघती रहो, मैं अपने यहाँ पे गोलगप्पे एंजॉय करती हूँ। आई एम इग्नोरिंग यू, मैं इतनी मगन हो रखी हूँ अपने इसमें। गाइस गोलगप्पे बहुत यम्मी है, बहुत मजा आ रहा है मुझे कि मुझे ये चीज सूंघने के लिए या सिर्फ उसको लिक करने के लिए नहीं मिली, मुझे खाने के लिए मिली। गाइस प्राची यहाँ पे हमें चुरा चुरा के खाती रहेगी, बट अब चलते हैं हमारी पूजा की तरफ, क्योंकि मेन चीज तो यही है। बताओ मैं कह रही हूँ मेरे को स्किप कर दो, जैसे मेरी चिट ब्लैंक आई थी ना, मुझे भी यहाँ से ब्लैंक कर दो। इससे ज्यादा नहीं कर सकती, बहुत बेकार है ये। पता नहीं क्यों कर पूजा रही है, जीप मेरी खराब हो रही है बहुत बुआ। तो गाइस यहीं पर हमारा फर्स्ट राउंड खत्म होता है, अब चलते हैं हमारे सेकंड राउंड की तरफ एंड देखते हैं अब क्या हमारे पास फूड आने वाला है। दोबारा मेरे पास सूंघने के लिए आता है या फिर कुछ भी आता है, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस सेकंड राउंड का फूड आइटम हमारे सामने आ चुका है, तो साक्षी तुम जल्दी से चिट्स को शफल कर दो। अब तो मैं कर रही हूं, अब तो मेरे पास ढंग आना चाहिए। मेरे पास बाइट आया है, ये क्यों राजी हो रही है? फिर से लिक आया है। तो गाइस मेरे पास आया है यहाँ पे स्निफ। गाइस ये पहले राउंड की तरह ही हो गया, हम तीनों के पास सेम ही चिट आई है, मेरे पास आया है बाइट एंड मेरे पास आया है लिक। तो पूजा जल्दी से तुम इन चिट्स को भी शफल कर दो और देखते हैं कि वन किसके पास आता है। गाइस यहाँ पे आया है वन मेरे पास, बट यहाँ पे ना दुविधा की घड़ी है, एक ही है मैं बता रही हूँ। अब मैं किसको क्या दूंगी भाई, देख लिख करने के लिए कुछ अच्छा सा दे दियो।
अगर मुझे दिख रहा होगा तो मैं पक्का दे दूंगी। तो गाइस यहाँ पे मैं देना चाहूंगी प्राची का फूड आइटम पूजा को और पूजा का प्राची को, और मैं अपने पास अपना रखना चाहूंगी। ठीक है ओके। मुझे तो स्मेल ही करना है ना, मैं तो क्या ही उखाड़ लूंगी। चलो ठीक है तो 3, 2, 1 गो। गाइस मैं यहाँ पे रोज ले रही हूँ ना, क्योंकि मेरे सामने ये हर्शीज चॉकलेट सिरप है और मैं ना रोज ये खाती हूँ एक एक चम्मच, और ये मेरे सामने से मैं स्मेल करने के लिए आ रखा हूँ। और गाइस मेरे पास आया है ऑरेंज जिसकी मुझे बाइट लेनी है, मुझे खाना है, मेरे पास तो खाने के लिए आया जा रहा है। एंड गाइस मेरे पास आई यहाँ पे मटका कुल्फी जिसे मुझे लिक करना है, और मैं ना लिक कर करके ही सारी खा जाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने नशे करना शुरू करती हूँ। सस्ते नशे चॉकलेट की खुशबू आ रही है। गाइस अंडर बजट यही आता है, बाकी चीजें अंडर बजट नहीं है। तुम अपने सस्ते जैसे करते रहो, मैं अपने ऑरेंज की बाइट ले लेती हूँ। मैं अपना ऑरेंज खाती हूँ, मजे से उसको एंजॉय करती हूँ। स्मेल तो तुम्हें इसकी भी आ रही होगी। क्या करना है मैंने स्मेल करके? क्या कर? अच्छा लड़की तेज हो रही है। बेटा मैं पहली पहचान गई थी, तुम्हें क्या लगा था मुझे दिख नहीं रहा? तुम्हारी चार आंखें नहीं। गाइस मेरे पास है ये मटका कुल्फी जिसे मुझे लिक करना है, मतलब ऐसे आ नहीं रही है। ओ अब करेगी ना, तगड़ा लिक करेगी ना। अब तो अच्छे से हो रही है। बट खाने को मिल जाती ना तो और मजा आता। खाई रही हो तुम शायद से आइसक्रीम भी ऐसे खाते हो आइसक्रीम को? गाइस इतनी ज्यादा टेस्टी है ना, मैं तो इसे लिक कर करके ही पूरी खा जाऊंगी। तो गाइस ये तो यहाँ पे अपनी आइसक्रीम लिक करती रहेगी, हम चलते हैं हमारे थर्ड राउंड की तरफ। तो गाइस हम अपना थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं, तो पूजा तुम जल्दी से चिट्स को शफल कर दो। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी हैट्रिक पूरी करती हूँ। मेरे पास फिर से आया यहाँ पे स्नेफ, और गाइस मेरे पास आया यहाँ पे फिर से बाइट, एंड मेरे पास आया है लिक। एंड अगर ये मेरे पास दो बार और आए तो यहाँ पे मेरा बिंगो हो जाएगा। आज बेसिकली मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है डॉग कैसे खाना खाता है और सुनता कैसे है, इसके ट्रेनिंग मैं ले रही हूँ। तो गाइस अब हम शफल कर लेते हैं यहाँ पे अपनी ये वाली चिट्स भी, देखते हैं किसके पास ऑप्शन आप में यही हो रहा है शफल, बस ये तो होनी ना। गाइस मेरे पास आया है 1, और मैं चूज करती हूँ बॉल इनके लिए भी और अपने लिए भी। कुछ भी कर लो, स्मेल में तो क्या ही कर लूंगी मैं। चलो जो हमारे सामने है हमें वही लेना है। ओके ओके 1, 2, 3 ओके। तो गाइस यहाँ पे हम तीनों के पास ये फ्रूटी आई है जिसको साक्षी को स्निफ करना है, मुझे तो पीनी है ये, और मैं लिख कैसे करूँ इसका कटोरे में डाल के। अरे यार तो गाइस मैंने क्या करना है, मतलब यहाँ पे गत्ते की खुशबू लू मैं जा रही हूँ। तो गाइस मैं इसे स्निप करना शुरू करती हूँ। गत्ते दर कुछ खुशबू नहीं आ रही है, हद हो गई। कैसे लग रही है उसको ऐसे करते? शिरिंग 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 बस। और ये साक्षी अपने सस्ते में से यार कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कर रही है? कितनी अच्छी अरोमा मिल रही है उसको, फ्रूटी की अरोमा। गर्मी आने वाली है ना तो उसको स्टार्टिंग में सूखने के लिए। हाँ यार चुप रहो तुम दोनों, छह नशे खराब कर दिए। तो गाइस मुझे फ्रूटी की सिप लेनी है, और मैं अपनी फ्रूटी की सिप लेती हूँ। लेती हूँ बस बस आई तेरा बस बस क्या। और ये हमारी चटोरी पूजा आ रहा था मेरे चिन पे लग रहा है। गाइस तीन राउंड ऐसा लग रहा है मैं 14 राउंड पूरे पपी बन जाऊंगी, लेकर करके पूरी प्रैक्टिस आएगी फिर करूंगी। मैं तो कह रही हूँ मेरे को तो पुलिस के कुत्ते से ज्यादा अच्छा ट्रेन करा जा रहा है सुनने के ऊपर। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में। तो गाइस जल्दी से अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं, चिट्स को शफल करती हूँ मैं। गाइस यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे पास बाइट आया, सुनने के बाद कुछ खाने को मिलेगा।
और गाइस मुझे इस बार लिक करने को मिलेगा। एंड गाइस मेरे पास आया है स्निफ। इतना ज्यादा लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे सूंघने की शक्ति भी मिलेगी। तो पूजा जल्दी से तुम इन चिट्स को भी शफल कर दो। प्रेमिका ने प्यार से कुछ नहीं दिया। मतलब क्या है भाई प्राची? हम भी है चैलेंज में। गाइस मेरे पास आया है वन और मैं इन लोगों के लिए और अपने लिए बॉल चूज करती हूँ। ओके तो क्या कहते हैं, साक्षी का बाउल लेती हूँ मैं। मेरा बाउल जाता है पूजा के पास और पूजा का बाउल आता है साक्षी के पास। ओके यार ये हर बार ऐसी करते हो, मतलब आखिरी वाले को हमेशा कुछ ना कुछ खतम दाग मिलता है। ये लो साक्षी, तुम्हारे लिए आया है खाने के लिए ये। 3 2 1 गो। मुझे लगता है गाइस ये रसगुल्ला किसी के पास आना नहीं चाहता, बस कह रहा है मुझे सूंघ के रख दो। और मुझे लगता है सोया सॉस अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, पहले कह रहा मुझे चाटा मुझे खाओ। गाइस पहली बार खाने के लाया था उसमें भी आया क्या सोया सॉस? छी। एंड हमने उसको स्पेशली स्ट्रॉ दिए ऊपर। तो कह रहा भाई बेचारे बहुत कंफ्यूजन में हंसू रहूं गाऊं क्या करूं। गाइस अब की बार हमने पपी बनाए यहाँ पे प्राची को। चलो प्राची लिख करो। ये क्या बात है। ये भी सही है कि मुझे लिक करने के लिए भी चॉकलेट सिरप मिला, ये सोया सॉस नहीं मिली। ये सदमे में जा चुकी है। तो अब मेरी बारी है इसको स्निफ करने की। लग तो बहुत टेस्टी रहा है बट स्निफ तक ही रह जाऊंगी मैं। बस इतना ही है हमारा साथ। गाइस अगली बार से ना मैं हल्दी वाले नूडल्स खाऊंगी, सोया वाले नहीं। मेरा सोया से इतना मन भर चुका है। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में। तो गाइस हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। साक्षी तुम जल्दी से चिट्स को शफल कर दो। मुझे बाइट बहुत हो गया, मेरे को डब्बों पे भरोसा नहीं है। मेरे पास आया है बाइट फाइनली, बट कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए मजा आ जाए। और गाइस मेरे पास आया है स्निफ। एंड गाइस मेरे पास आया है यहाँ पे ले। तो अब जल्दी से करते हैं हमारी ये वाली चिट्स को शफल एंड देखते हैं किसके पास क्या आता है। मेरे पास आया है वन। यस अभी देखते हैं तुम्हारे पास बाइट करने के लिए क्या आता है। हाँ यार इसमें एक सुपर पावर दे दो ना मेरे को। काश जल्दी से करो शफल। बताओ पूजा तुम क्या चाहोगी, कौन सा डब्बा चाहती हो? देखो मैं चाहती हूँ जिसके सामने जो रखा है वो ले लो। यार ऐसा मत करो यार। हाँ यार क्यों? चलो चलो ठीक है, कुछ बुरा हुआ तो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस मेरे पास आया था बाइट एंड बाइट में मेरे पास आए हैं गोल गप्पे। तो इनको जल्दी से खाते हैं और इनको चिढ़ाते हैं। गाइस मेरे पास चिट में आया था स्निफ एंड स्निफ करने के लिए मेरे पास आई है आइसक्रीम। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और फिर मैं इसको सूंघ लेती हूँ। और मैं स्ट्रॉ से तो लिक कर नहीं सकती। तो गाइस अब मेरे पास लिक आया है बहुत टाइम बाद, तो मैं इसे लिक कर लेती हूँ। मुझे लगा दांत से करेंगे। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस ये हमारा लास्ट राउंड है और जल्दी से चिट्स को शफल कर लेती हूँ मैं। तो गाइस मेरे पास आया यहाँ पे बाइट, बट यार पिछली बार सोया सॉस आया था। मैं डर गई। और गाइस मेरे पास आया है स्निफ एंड मेरे पास आया है लेक। तो जल्दी से मैं इन चिट्स को भी शफल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि किसके पास वन आता है और किसको मौका मिलता है इन बॉल्स को चूज करने का। okay. मेरे पास क्यों आया? तो गाइस यहाँ पे मेरे पास वन आया और मैं अब डर गई हूँ। चलो चूज कराओ। क्या करो क्या करो क्या करो। तो मैं नहीं। तो मैं यही चुन रही हूँ, इन दोनों को यही है दे रही हूँ, मतलब सबको अपना अपना बूढ़ी लेना है। ओके 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 3 2 1 गो। तो गाइस मेरे पास आई है यहाँ पे आइसक्रीम कोन एंड आइसक्रीम तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मैं इसे फटाफट बाइट लेके खा लेती हूँ। सपना पूरा।
पर मैं एक पर्कर सोच रही थी ये लेने का। ओ ले लेती यार मुझे चुपड़ा तो होते गाइस सेम आइसक्रीम आई है और इस बार भी इसको मुझे सिर्फ सूंघना ही है। तुम्हारी किस्मत में आइसक्रीम सूंघने के लिए है खाने के लिए नहीं। खा लूं नहीं गाइस मेरे पास आया लिक एंड लिक करने के लिए मेरे पास आई है यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। तो यहीं पे हम अपना ये फनी सा चैलेंज खत्म करते हैं। हमें इस चैलेंज को करने में तो बहुत मजा आया था, आप लोगों को भी देखने में बहुत मजा आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।